नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में विद्या के साथ आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंजाबी डिश जिसे कहते हैं बटर पनीर मसाला। तो ये तो बहुत ही यमी डिश होती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है घर पे। तो जो जो सामग्री इसके लिए लगेगी वो इस प्रकार है। मैंने 2 मीडियम साइज ऑनियन काट के रखा हुआ है, 6 से 7 टमेटोज, इसमें टमेटोज ज्यादा पड़ते हैं, 6 से 7 टमेटोज। मैंने बढ़िया मलाई पनीर काट के रखी हुई क्यूब साइज में, अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 चम्मच दही है, कसूरी मेथी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, कटी हुई धनिया है, गरम मसाला है, चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक है, 4 से 5 मैंने इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 15 से 16 मैंने काजू लिया है, 2 बड़ी चम्मच मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, धनिया पाउडर है करीब करीब 2 से 2.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और बटर, क्योंकि बटर पनीर मसाला है तो बिना बटर के बटर पनीर मसाला नहीं बनेगा। तो ये हो गया सारा सामग्री। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले जो मसाला है वो बना लेते हैं। जो मैंने ये लाल मिर्च निकाल के रखा हुआ था ये सारा मैं दही में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए लाल मिर्च दही में चला गया और ये जो धनिया पाउडर मैंने निकाल के रखा हुआ था ये भी दही में चला जाएगा। हल्दी और नमक थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा, करीब करीब 1/4 टीस्पून ये भी चला जाएगा। और जो कसूरी मेथी मैंने निकाल के रखी हुई थी वो थोड़ी सी दही में जाएगी और थोड़ी सी ऊपर से गार्निश में जाएगी। तो ये मैंने ले ली है और इसको मैं बहुत अच्छे से अब मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मेरा दही मसाला रेडी है। अब मैं ग्रेवी बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। चलिए देखते हैं ग्रेवी कैसे बनाएंगे। मैंने करीब करीब 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है। अब जो कटे हुए प्याज थे वो मैं इसमें डाल देती हूँ और ये प्याज को मेरे को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, एकदम ट्रांसलूसेंट से थोड़ा ज्यादा। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी मैंने इसमें ऑनियंस डाल दिए हैं और ये जो जिंजर गार्लिक मैंने करके रखा हुआ था चॉप उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ऑनियंस थोड़े कैरामलाइज होने लगे हैं, ब्राउन होने लगे हल्के से, बस इसी कंसिस्टेंसी में हमको इसमें टमेटो, जो हमने 6 टमेटो कट करके रखे थे वो डाल देने हैं। मैंने ऑनियंस करीब करीब 5 मिनट्स तक पकाया था। अब ये टोमेटोज मुझे अच्छे से कुक करना है, इसी में मैंने जो क्लोव और कार्डमम निकाल के रखे थे, इलायची और लौंग, वो भी इसी में डाल दूंगी मैं। और जो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने निकाल के रखी थी उसको डीसीड कर लिया, थोड़ा सा धो लिया पानी में, वो भी मैं डाल दूंगी इसी में। और जो काजू निकाले थे वो भी इसमें डाल दूंगी। अब इसको मैं ढक के 7 to 8 मिनट्स अच्छे से कुक होने दूंगी। ये पूरा मसाला एकदम सॉफ्ट और मशी हो जाए इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी और फिर ये स्मूथ बढ़िया पेस्ट बन जाएगा और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर देगा बटर पनीर मसाला पे। ये देखिए टमाटर अच्छे से कुक हो गए, एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो गए हैं। अब ये ग्रेवी को अच्छे से ठंडा होने तक आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा और एकदम फाइन पेस्ट आपको बनाना पड़ेगा ये ग्रेवी का। तो मैं आपको फाइन पेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा। देखिए ये कितना बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम बनाते हैं सब्जी, सारा पूरा बटर में डाल के इसको बढ़िया टॉस करेंगे और जो दही का मसाला भी रेडी करके रखा था वो भी डाल के बटर पनीर मसाला हम बनाएंगे। जो बटर मैंने निकाल के रखा था वो मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और जो है थोड़ा कॉन्शियस है वो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें बटर कम करके। मैंने करीब करीब 30 या 40 ग्राम बटर लिया था तो ये बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और जो मैंने ग्रेवी करके रखी हुई थी वो मैं इसमें अब डाल दूंगी। देखिए ये ग्रेवी मैंने सारी डाल दी है, इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे और जो दही का मसाला मैंने रेडी करके रखा था
वो भी इसमें डाल देती हूँ मैं, तो वो भी इसके साथ ही कुक हो जाएगा बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जो दही का मसाला रेडी कर रखा था, थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं और ताकि सारा जो मसाला है इसमें अच्छे से चला जाए और इसको 5 मिनट के लिए कुक कर दें। ये मसाला आप चलाते रहिए क्योंकि दही डाला है, तो दही अगर गर्म आग में फटने के चांसेस होते हैं, तो आपने जो मसाला और दही मिक्स करके रखा था तो आप ये मसाला थोड़ा चलाते रहिए जब तक ये कलर बढ़िया छोड़ ना दे ग्रेवी। एक 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से आप कुक करिए, फिर नमक आप डाल दीजिए इसमें, वो भी कुक हो जाएगा इसमें जो आधा चम्मच बाकी था नमक, जो गर्म मसाला आपने निकाल के रखा था वो भी इसमें डाल दीजिए और जो कसूरी मेथी जो बची हुई थी वो भी आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से एक 2-3 मिनट्स ऐसे कुक होने दीजिए और फिर अनादर 2-3 मिनट्स पनीर के साथ आप डाल के कुक करिए और आपका बटर पनीर मसाला रेडी है। ऊपर से गार्निश के लिए आप क्रीम थोड़ा सा डाल दीजिए, कोट कर दीजिए और धनिया से गार्निश कर दीजिए। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गए, एकदम कलर इतना प्यारा आ गया, ऐसे एकदम ऑरेंजिश रेड, इतना फर्स्ट क्लास क्रीमी टेक्सचर आ गया है। आप ये जो पनीर मैंने काट के रखे थे वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो मैं पनीर लेती हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही पहले पंजाब डेयरी है वाशी में, सेक्टर 17 में मुंबई में, वहीं से लेती हूँ या फिर मैं घर में बनाती हूँ। एकदम मलाई पनीर होती है और एकदम सॉफ्ट होती है, या वहाँ की लेती हूँ या फिर घर पे बनाती हूँ। पनीर और कहीं का मुझे पसंद नहीं है। देखिए कितनी प्यारी टेक्सचर आ गई है इसकी, ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। मैं आज इसको सर्व करूंगी बढ़िया गरम देसी पराठों के साथ, देसी घी के पराठों के साथ और सैलेड के साथ। चलिए देखते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, बटर पनीर मसाला मैंने कटोरी में रख दिया है, थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करी और हरी धनिया से, और बढ़िया खस्ता कुरकुरे पराठे बनाए हैं और हरी मिर्ची और काले के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए और खूब सारा प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए। तो बिल्कुल साथ बना के रखिए अपना जायके के सफ़र में विद्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे सब्सक्राइबर्स का।